हेलो फ्रेंड नमस्ते प्रणाम अरार महादेव। ये देखिए इनके चैनल का नाम है हासिम डीएसआर। तो प्लीज आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह हम आए हैं यहाँ पे भी पार्क मोहद्दीपुर। ये जो भी पार्क है गोरखपुर में मोहद्दीपुर, जैसे आप एंट्री मारते हैं गोरखपुर में, तो ये जो बड़ा वाला पोखरिया नहीं है, पोखरिया के जस्ट आगम है एक बड़ा सा है पार्क है भी पार्क। वहीं पे हम लोग आए हैं और किससे मिलने आए हैं, गोरखपुरिया भौजी से। कही थी 10 बजे आने के लिए, हम 10 बज गया है, आके वेट कर रहे हैं। किनारे सभी आ रहे हैं, अब जा रहे हैं बीच में, देखेंगे कितना भीड़ लगा है, कितने ब्लॉगर आए हैं, सबसे मिलेंगे और सबसे यहाँ पे थोड़ा सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी कहीं है कि एक दूसरे का सपोर्ट करना है। सपोर्ट करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं सूरज भैया। अरे महाराज रुकिए, किधर जा रहे हैं आप? और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, आपको सब दिखाएंगे पूरा पार्क घूम के। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लोग कुछ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए गोरखपुरिया भौजी से। अरे यार ये क्या बताए, कितना खूबसूरत नजारा है यार हम इस पार्क में। हम तो पहली बार आ रहे हैं गोरखपुर, कितना बार हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, कितना सुंदर पूरा फ्लावर है चारों तरफ से, एकदम सुंदर लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है, मतलब एकदम खूबसूरत नेचर लग रहा है। और ये सूरज भाई सोच रहे हैं कौन से लोकेशन फोटो खींचे, स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए कैप टॉप लगा के चश्मा सोना एकदम पूरा हीरो बने हुए। और देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग टाइप का फ्लावर है। अरे यार क्या बताए, क्या खूबसूरत लग रहा है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर फ्लावर है। मोहद्दीपुर भी पार्क इसका नाम है, मतलब इस पार्क का नाम भी पार्क है। और हम आए थे तो पता नहीं कब गोरखपुरिया भौजी आएंगे, तब तक हम खुद ही में ब्लॉग बना रहे हैं अपना। अभी कैमरा नहीं निकलना है, चार्ज खत्म हो जाएगा जल्दी से ही। देखिए कितना सुंदर सुंदर इधर पेड़ लगा हुआ है, मतलब फ्लावर वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नेचर लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी यहाँ पे, हम बहुत दिनों बाद आए, पहली बार हम आए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। अब मिलेंगे ब्लॉगर लोग से, मिलेंगे जितने भी यूट्यूबर है सबसे मिलेंगे, सपोर्ट का मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों ऐसा नहीं कि यहीं पे मिलने के बाद आप हमारी वीडियो देखते हैं तो भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट करने से एक मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो वीडियो बनाने का मन करता है, अच्छा लगता है। एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, मिलकर सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। एक मिनट बोल, अच्छा रुकिए हम थोड़ा वीडियो में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे एक आए हैं, मतलब भैया हमारे, कह रहे हैं कि 2 दिन से हम आए हैं और गोरखपुरिया भौजी से मिलने के लिए आए हैं आप। गोरखपुरिया भौजी से मिलने के लिए आए हैं, आपका चैनल क्या नाम है जी? यादव सत्यम। अब इनका भी हम इनको भी सपोर्ट करेंगे, हमारे 3 दोस्त है, 3 सपोर्टर यहाँ पे मिलेंगे, सबका सपोर्ट करेंगे, सबको सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। कितने दिन से आए हुए हैं यहाँ पे, आके कह रहे हैं कि 2 दिन से हम आए हैं, कोई मिल नहीं रहा है। देखिए चलिए तब यहाँ पे अब एक और दोस्त यहाँ पे मिल गए हम लोग का सपोर्टर, अब मिल के चलेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब गोरखपुरिया भौजी आएंगी। अब चल के चलिए आप तो फैमिली के साथ जाइए, आके आपको आपसे मिल रहे हैं, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली के साथ आए थे भैया, उन 2 दिन से आए, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी, सत्यम यादव करके उनका यूट्यूब चैनल है, उनको सपोर्ट कीजिए। और देखिए सपोर्ट करने से एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा जेलस ईर्ष्या नहीं होना चाहिए एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, दिल से कीजिए, क्योंकि जो जो नए यूट्यूबर्स है, अब बताइए कब तक हम लोग 1K सब्सक्राइबर के पीछे कब तक भागेंगे, ये बताइए। 1K सब्सक्राइबर के पीछे भागो भागो, क्या मतलब क्या है 1K सब्सक्राइबर के पीछे? हमको नहीं भागना है, हमको क्या चाहिए, हम लोग पहले यहीं पे मिलकर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले, उसके बाद हमको आगे तक का भी तो रास्ता तय करना है ना। 1K के पीछे कब तक रहेंगे, 4000 टाइम के पीछे कब तक भागेंगे हम लोग? तो कोशिश ये रहे कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, आज सपोर्ट करें, उसके बाद सपोर्ट करते रहे, वीडियो देखे, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग यूट्यूब पे, तो सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और आइए आपको हम दिखा रहे हैं पूरा एकदम पूरा फोकस बात करके, यहाँ पे वी पार्क में आने वाला है मजा, क्योंकि हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं, हमको तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। कैमरा वैमरा लेके आए, सूरज भैया आए, यहाँ पे मजा ही मौज है यहाँ पे, देख रहे हैं एक छोटा सा मंदिर टाइप का है, वहाँ पे आएंगे और ज्यादा मजा आएगा। गोरखपुरिया भौजी पे तो हम एक शायरी याद करके आए हैं, उनको सुनाएंगे एकदम भड़केदार शायरी, और आज आने वाला एकदम पूरा बिल्कुल मजा, क्योंकि हमारी जो शायरी है तड़कता भड़कता है उन्हीं के ऊपर है, और हम चाहे तो अभी भी सुना सकते हैं। सुन ली तू गुलाब के फूल देता हूँ, हमको चमेली के चाहे। देखिए सूरज के साथ एक शायरी सुना रहे हैं कि अरे गोरखपुरिया भौजी तू गुलाब के फूल देता हूँ, हमको चमेली के चाही, हमको त्योहार न मना है भौजी तुम्हारे सहेली के चाही, ठीक है। आ गए यहाँ पे हमारे दोस्त लोग आ गए, सब ब्लॉगर से मिलेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, और क्या है कि मिलके सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे, ताकि अब 1K सब्सक्राइबर के पीछे कोई कितना देर तक भागेगा, कब तक भागेगा हमको ये बताओ, आगे तो बढ़ना है ना। तो यहाँ पे आ गए हैं, देखिए लोकेशन दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे जो मैप हम सर्च किए थे तो मैप में यही चीज दिख रहा था, ये जो मंदिर टाइप का दिख रहा है,
ये तो इसमें चढ़ने वाला है क्या जी, इसमें जा सकते हैं क्या ऊपर? लॉक है, मतलब चढ़ने वाला है, चढ़ के बैठने वाला है, लेकिन उसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि लॉक है पहले से ही। इतने लोग यहाँ पे, कैमरा थोड़ा ज्यादा हिल रहा है, सूरज भैया बोल रहे कैमरा ज्यादा हिला रहे हो, तो कैमरे को ज्यादा हिलाएंगे नहीं, एकदम पूरा नॉर्मली इस बार पकड़े हुए हैं, कंट्रोल करके। बहुत ज्यादा खुशी है इसीलिए हिल रहा है, ज्यादातर कैमरा हिल जा रहा है, तो यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है ज्यादातर। चलेंगे भैया वहाँ पे, अंदर चलो, उधर चलेंगे, चलते कहीं बैठते हैं, चलते रहो कहीं, थोड़ा सा वीडियो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ चल के थोड़ा बैठते हैं। दोस्तों चैनल का नाम हाशिम DSLR ब्लॉग, आप आ गए हैं तो देख भी लिए हैं। तो कहाँ पे जी, कहीं पे ज्यादा तो भीड़ तो नहीं लगी है कहीं कहीं? भैया आइए यहाँ पे, और यहाँ पे जितना भी आम का पेड़ है, हम क्या बताएं, रोज पूरा रास्ता देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आम का पेड़ है इतना ज्यादा मतलब फूल उसमें लगा है। भोजपुरी में कह दे बहुत ज्यादा मऊराइल बा इसे कहते हैं भोजपुरी में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हर आम के पेड़ में बहुत सुंदर, बहुत खुशबूदार, बहुत ज्यादा खुशबू मत कहिए लेकिन आम बहुत ज्यादा फरेगा। पिछले साल भी बहुत ज्यादा आम आया था, इसमें भी देखिए कितना ज्यादा, हर पेड़ पे दिखाएंगे आपको, बहुत ही ज्यादा फल लगा हुआ है। और आज आने वाला यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि पता नहीं 10 बजे का टाइम दी थी, 10 तो बज गया है ना जी, अब तक आए नहीं एक बार प्रिया भाऊ जी, और कह रहे थे कि हम 10 बजे आ जाए, अब देख रहे कितना लोग है, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कौन कौन यूट्यूबर।